कोची पहुँचे हैं, हमारी फ्लाइट अभी लैंड करी है और हम लोग केरला घूमने वाले हैं। मैं केरला की आपको ब्यूटी बताने वाली हूँ। केरला कितना सुंदर है, सिर्फ सुना ही है, मैंने भी सुना है अभी तक तो कि केरला बहुत सुंदर है। मैं भी फर्स्ट टाइम देखूँगी तो मैं आपको बताऊँगी केरला कितनी सुंदर था। और अभी हम लोग मुन्नार जाने वाले हैं, सो हमारी टैक्सी बाहर वेट कर रही है, सो जाते हैं। थैंक यू। गाइस, बैग हमारा आ गया है, अब हमारी टैक्सी हमारा वेट कर रही है, तो अभी हम लोग वहीं जाएंगे। अभी हम लोग एयरपोर्ट से एग्जिट हो रहे हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है। सो लेते हैं बाबा महाकाल का नाम, जय श्री महाकाल। और गाइस, मैं आपको सबसे एक बड़ी बात बताने वाली हूँ कि ये जो कोची का पूरा एयरपोर्ट है वो पूरा सोलर एनर्जी पे बना हुआ है और सोलर से ही वहाँ सारा काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होता है। सो ये बहुत अच्छी और ख़ास बात थी, सो मैंने आपको बताई है। सो गाइज, हमारी कैब निकल गई है और कोची से मुन्नार 130 किलोमीटर है। सो अप्रोक्स हम लोगों को 4-4.5 घंटे लगने ही वाले हैं। और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं उस वे में हम लोगों को दो वाटरफॉल लगेंगे, सो वो वाटरफॉल भी हम लोग देखने वाले हैं। और हम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं करा है। सुबह एयरपोर्ट पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत सैंडविच वगैरह कुछ खाया था, उसके बाद में हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। सो अभी हम लोग थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। और जहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे वो जगह बहुत फेमस है ऐसा हमने सुना है, सो अभी हम लोग वहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे। सो मैं वीडियो में बताती हूँ हम लोगों ने कहाँ ब्रेकफास्ट किया था। सो गाइस, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं और हमारी जिस होटल का नाम है जहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं, होटल का नाम है प्लेट ऑफ। सो अभी हम लोग वहीं पर ही हैं, अंदर जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने डोसा और उत्तपम मंगवाया है और अब हम ये टेस्टी सा उत्तपम और डोसा खाने वाले हैं। नाश्ता हो गया है, अब हम मुन्नार के लिए निकल गए हैं और रास्ते में जो सबसे फर्स्ट वाटरफॉल हमको पड़ेगा हम वहीं जा रहे हैं। सो देखते हैं वहाँ का वाटरफॉल कैसा है। सो गाइस, थोड़े थोड़े से तो हम लोगों को माउंटेन्स दिखने लग गए हैं और ग्रीनरीज बहुत अच्छी है, बिल्कुल मतलब ऐसा नेचर ऐसा उभर के आ रहा है, बहुत सुंदर है केरला सही में, जैसा मैंने सुना था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। 5 से 10 मिनट में हम लोगों को फर्स्ट वाटरफॉल लगने वाला है, सो अभी हम लोग वाटरफॉल देखने वाले हैं। देखते हैं कैसा है यहाँ का वाटरफॉल। सो फाइनली हम लोग वाटरफॉल पहुंच गए हैं और ये रहा वाटरफॉल, और इस वाटरफॉल का नाम है बनाना वाटरफॉल। बहुत ही अच्छा व्यू है, पूरी ग्रीनरीज के बीच में से वाटरफॉल है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है सामने से। गाइज, अभी हम लोग स्पाइस गार्डन आए हुए हैं और ये टिकट्स हैं दो, ये एलिफेंट सफारी का टिकट है और ये स्पाइस गार्डन का टिकट है और पर पर्सन ये 50 रुपीज़ है। सो पीयूष जी का और मेरा 50-50 मिला के 100 हुआ है और एलिफेंट सफारी का 600 रुपीज़ है। तो अभी हम लोग अंदर एलिफेंट सफारी भी करेंगे, मतलब एलिफेंट की सवारी करने वाले हैं, और ये स्पाइस गार्डन भी देखेंगे यहाँ का कैसा है। सो चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है एलिफेंट सवारी करने के लिए। सो ये उसका वेट है, हम यहीं से भी जाएंगे चलते। एलिफेंट आ रहा है हमारी ओर।
सो अभी मैं करने वाली हूँ एलिफेंट की सवारी, और देखते हैं एलिफेंट कैसे घुमाता है मुझे जंगल में। Once more. Hi. Are you okay? Yes. Are you happy? गाइज एलिफेंट सफारी करके मुझे बहुत मज़ा आया। पता है ऐसा लग रहा था कि हम बहुत हाइट पे पहुंच गए हैं, क्योंकि एलिफेंट का हाइट बहुत ज़्यादा होता है और ये तो और ज़्यादा बड़ा था मुझे ऐसा। एलिफेंट सफारी मैंने कर ली है, मुझे बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत सारा फोटो शूटिंग भी करा है, भैया ने बहुत अच्छे फोटो खींचे, ये फोटोग्राफर इन्होंने हमारे फोटो खींचे हैं, बहुत अच्छे खींचे हैं। और अब हम चलेंगे स्पाइस गार्डन देखने। सो गाइज ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये दालचीनी का पेड़ है, पूरा इसको कट करके दालचीनी बनाई जाती है। इसमें अभी एक छोटा सा झाड़ है, इसके लिए इसमें ग्रोथ नहीं हुआ, दोनों पत्ते के बीच में स्टार के जैसा बच्चा जैसा आ जाता है। अच्छा वाला लोगों का ऐसा पहचाना कि एक लोंग निकाल के स्टार के नीचे डंडी रहेगा, डंडी में थोड़ा सा प्रेस करके देखनेगा, तभी अपने नगुन में थोड़ा सा तेल आना मांगता, तेल आते तो समझेगा ऑर्गेनिक है, वो जल्दी फंगस नहीं आते बिना तेल वजह। और ये है रबर प्लांटेशन, रबर का दूध ऐसा निकाल के रबर शीट बना के टायर वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। ये देखिए इस तरीके से रबर निकाला जाता है, एक बाउल है उसके अंदर इन लोगों ने फील करके रखा है, ये अपने आप ही निकला हुआ है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से ही रबर बनता है और फिर प्रोसेस के लिए जाता है। गाइस स्पाइस गार्डन में हमने बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स देखे हैं, जो प्लांट्स मेडिसिन के लिए भी यूज होते हैं और स्पाइस चीज़ों के लिए भी यूज होते हैं। सो बहुत अच्छा लगा हमें ये सब देख कर। सो गाइज अभी हम लोग रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में ये पूरा टाटा का टी प्लांट है, देख सकते हैं आप, पूरा जो भी आपको ग्रीनरीज ये दिख रही है ना, ये पूरा टी प्लांट है। और इधर ऊपर भी गाइज ये रहा केरला का नेचर, जो सच में ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए हैं। और बिल्कुल पता है पूरा प्लांटेशन जो इनका ट्री प्लांटेशन है वो पूरा एक जैसा, उसकी कटिंग भी ऐसी होती है ना कि ऊपर से दिखने पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल पता नहीं कैसे चादर से बिछाए रखी हो, बहुत अच्छा लग रहा था। सो गाइज हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया है और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि हम सुबह 4 बजे से ट्रैवल कर रहे थे और हम लोगों को बहुत भूख लगी थी। सो इवनिंग स्नैक्स में हमने थोड़ा बहुत मंगवाया है, तो ये पनीर पकौड़ा है और ये चिकन बिरयानी है। सो गाइज यहाँ का नज़ारा देखिए बहुत सुंदर है, और उसको ही देखते हुए हम लोग हमारे स्नैक्स खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स जस्ट ऑसम। होटल का पूरा वीडियो अगले लॉग में बताऊंगी, और अभी टाइम हो रहा है 6:00 है और ये लॉग में यही एंड करती हूँ। सो अगर गाइज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।